स्टॉक मैंने पहले भी रिकमेंड किया हुआ, बहुत ही निचले लेवल पे। स्टॉक का नाम है पोकरना, जो कि अभी 356-57 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में मतलब एक जबरदस्त स्टॉक है। ये 3 बिजनेस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है। एक तो ग्रेनाइट, ये भारत की सबसे बड़ी पॉलिश्ड ग्रेनाइट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। दूसरा इनका प्रोडक्ट है क्वार्ट्ज, जिसको इंजीनियर्ड स्टोन बोलते हैं। क्वार्ट्ज ये जो प्रोडक्ट है एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और इसकी जो डिमांड है वो रियल एस्टेट की डिमांड पे निर्भर करती है। और हम देख रहे हैं रियल एस्टेट की एक जबरदस्त डिमांड चल रही है और आज रियल एस्टेट सेक्टर भी फोकस में है और इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट है। और इनका ये जो प्रोडक्ट है एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जिसके लिए इनके पास एक इटली की कंपनी है ब्रिटन स्टोन, ब्रिटन करके, जिनकी टेक्नोलॉजी है ब्रिटन स्टोन टेक्नोलॉजी। उसके लिए इनके पास एक्सक्लूसिव टाई अप है। और इनका इस प्रोडक्ट का ब्रांड है क्वांट्रा, जो कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और प्रीमियम प्राइसिंग मिलती है। बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट होता है। यूएस में इसकी जबरदस्त डिमांड है और यूएस ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले क्वार्ट्ज पे 250% तक की ड्यूटी लगा दी थी कुछ महीनों पहले, तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा। और फिर इन्होंने इस प्रोडक्ट के लिए आइकिया, जो कि एक लीडिंग फर्नीचर चेन है, उनके साथ भी एक करार किया है उनके कस्टमर्स को ये क्वार्ट्ज जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करने का। और पिछले 2-3 महीने पहले ही इन्होंने ये जो क्वार्ट्ज की कैपेसिटी है उसका एक नया प्लांट हैदराबाद में शुरू किया है, जिसका भी फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। और बाकी इस कंपनी में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी करीबन 6.74% स्टेक है और दमदार स्टॉक है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे खरीदे। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 375 का, स्टॉप लॉस रखना है 340 का। ओके।